वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेरीज या कमेंट्स हो तो अभी हमारे अपना कमेंट पेज पे ऐसे कमेंट करें, और कोई भी आपको लेक्चर ऑन डिमांड चाहिए हो तो ज़रूर कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस को बताइए ताकि हम वो आपको प्रोवाइड करें। आज का हमारा हम पिछले ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टाइप 7 तक हम पढ़ चुके थे, आज हम टाइप 8 करेंगे जो कि पॉलीनोमियल होगा, जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बल्कि मैं उसको पॉलीनोमियल नहीं कह सकता, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन आती है x प्लस 3 अंडर रूट प्लस अंडर रूट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। अब करना हमें ये है कि हमें इस अंडर रूट से किसी तरह पीछे छुड़ाना है ताकि हम इसको सिंपल एक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएं और क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन लगा के सॉल्व करें। मैं दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करता हूँ। स्क्वेयरिंग करने से ये होगा कि a प्लस बी, ए का स्क्वायर x प्लस 3, बी का स्क्वायर x प्लस 2 और a 2ab x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16, 4 का स्क्वायर x प्लस x 2x प्लस 5 प्लस 2। अब नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्प्लिट होके आ जाएगा ये। अब मैं इसको सारा उस साइड पे ट्रांसफ़र करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 16। अब दोबारा स्क्वेयरिंग करेंगे इसको, जब हम यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 2x प्लस 5 जब उस साइड पे गया तो ये 16 माइनस 5 माइनस 2x, यहाँ पे हो गया 11 माइनस 2x। अब यहाँ रह गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा स्क्वेयरिंग करूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 11 का जो स्क्वायर आएगा 121 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 44x। अब सारी चीज़ें एक ही साइड ट्रांसफ़र करेंगे, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल, यह हो जाएगा 64x स्क्वायर और प्लस 24 माइनस 121 माइनस 97 इज इक्वल्स टू 0 और x आ जाएगा 97 डिवाइडेड बाई 64। अब यहाँ पे आपने देखा कि सिंपल लीनियर इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक नहीं बनी, क्यों? क्योंकि 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ 2 आ जाता तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती और इसको हम सिंपली एक उसी तरह सॉल्व करते जैसे कि हम पिछले सवाल में करते हुए आए। अब अगर इक्वेशन एक हम और थोड़ा सा इसी टाइप की एक एक्सटेंशन ले लेते हैं, इक्वेशन होती है इस फॉर्म में 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जांपल। अब इसको मैं प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। अब ये वही फॉर्म बन गई स्क्वायरिंग, इसे दोबारा लेके जाके दोबारा स्क्वायरिंग अंडर रूट और फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के फैक्टराइज करके इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। इस तरह हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सारे टाइप्स खत्म हुए, टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक 8 तक। अगर आपको कोई भी किसी चीज़ में इशू हो या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करें, वी विल गो लाइव फॉर यू वंस अगेन। तो इसमें कोई किसी तरह कोई इशू नहीं, किसी और लेक्चर में फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ओए लेवल एफएससी रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट अंडर ग्रेजुएट्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्टर करें काइंडली कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस के प्रोग्राम में। थैंक यू।